मसूरी में नगर पालिका परिषद हिलदारी संस्था और रिसिटी की मदद से इंटरनेशनल वेस्ट पीकर डे मनाया गया, जिसके तहत सभी कूड़ा बीनने वाले लोगों को ऑक्यूपेशनल आईडी कार्ड बांटे गए। कार्ड के माध्यम से उन्हें अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कार्यक्रम में नगर पालिका सभासद नंदलाल सोनकर, हिलदारी के प्रबंधक अरविंद शुक्ला मौजूद रहे, जहाँ कूड़ा बीनने वाले लोगों का सम्मान किया गया और पत्रकारों से चर्चा कर हिलदारी के प्रबंधक अरविंद शुक्ला ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी है। एक कार्ड बना है जो नगर पालिका अपनी तरफ से इशू कर रही है इन लोगों को, इनकी एक पहचान भी हो जाएगी। कल को लोग कहते थे कि अनलीगल है, यहाँ पे ऐसा करते हैं, वो लोग इस वजह उन चीज़ों से वंचित हो जाएंगे और एक आइडेंटिफाई हो जाएगा इनका कि ये लोग जो कूड़ा चुनने वाले लोग हैं, ये मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा आते हैं, लोग एलिगेशन भी लगाते हैं इन पे, तो उनसे वंचित रहेंगे। एक नगर पालिका की एक अच्छी पहल है जो हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है ऐसा, जो कार्ड दिया गया इन लोगों को सिटी के द्वारा। जो आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया इंटरनेशनल वेस्ट पीकर डे, जो एक पर्व की तरह यहाँ पे लोग मना भी रहे हैं, और साथ ही साथ सारे के सारे लोग यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर एकत्रित हुए हैं और इकट्ठा हो करके उनके बच्चे भी आए हुए हैं, वो लोग आनंद भी ले रहे हैं। और इसके साथ ही जैसे डी सिटी बराबर जो है असंगठित क्षेत्र में लोगों के साथ काम कर रहा है, जो भी कूड़ा चुनने वाले हमारे भाई और बहन हैं, इनकी आज तक किसी तरीके से कोई पहचान नहीं थी, तो डी सिटी के माध्यम से इनके कई तरीके से प्रशिक्षण भी हम लोग आयोजित कर रहे हैं कि ताकि वो लोग सफाई से संबंधित जानकारी भी उनको प्राप्त हो सके, कानूनी सलाहकार की जानकारी भी हम लोग इनको दे रहे हैं।